घुबाया 2019 में अकाली दल बादल से नाता तोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे। घुबाया दो बार अकाली दल से सांसद रह चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मनमुटाव होने के चलते घुबाया ने पार्टी छोड़ दी थी। घुबाया राय सिख बिरादरी से संबंधित है। लोकसभा हलका फिरोजपुर में सिर्फ कांग्रेस ने ही राय सिख बिरादरी को महत्व देते हुए इनकी बिरादरी का प्रत्याशी उतारा है। फिरोजपुर में सबसे अधिक वोट राय सिख बिरादरी के हैं। घुबाया ने पहली बार साल 1995 में सियासत में कदम रखा था। गांव में पंच, सरपंच व ब्लॉक समिति के चुनाव लड़े और जीते। सियासत में घुबाया का रुतबा लगातार बढ़ने लगा। अकाली दल ने 1997 में हुए विधानसभा चुनाव में घुबाया को जलालाबाद विधानसभा हलके से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। उस समय घुबाया ने कांग्रेस के सीनियर नेता हंसराज जोशन को 3,397 मतों से पराजित किया था। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में फिर से अकाली दल ने घुबाया को जलालाबाद से टिकट दी, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार हंसराज जोशन से 4,331 मतों से वो हार गए थे। 2007 में फिर हुए विधानसभा चुनाव में अकाली दल ने घुबाया को टिकट देकर जलालाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी हंसराज जोशन के मुकाबले खड़ा किया। इस बार घुबाया ने जीत हासिल की। अकाली दल ने 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में जोरा सिंह मान को टिकट ना देकर घुबाया को टिकट देकर फिरोजपुर लोकसभा हलके से चुनाव मैदान में उतारा है। घुबाया ने कांग्रेस के प्रत्याशी जगमीत सिंह बराड़ को 21,071 मतों से पराजित किया। जलालाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाए गए तो यहां से सुखबीर बादल चुनाव लड़े और जीत गए। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में अकाली दल ने फिर से घुबाया को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। घुबाया ने कांग्रेस के प्रत्याशी सुनील जाखड़ को 31,420 मतों से हरा दिया था। सियासी जानकारों के मुताबिक घुबाया ने अपने बेटे दरविंदर सिंह घुबाया को अकाली दल से विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। इसी वजह से सुखबीर से मनमुटाव चलता रहा। कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ इसी का फायदा उठाकर साल 2019 में घुबाया को कांग्रेस में ले गए और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस में शामिल करवा लिया। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में घुबाया को टिकट देकर फिरोजपुर लोकसभा हलके से चुनावी मैदान में अकाली दल के प्रत्याशी सुखबीर बादल के मुकाबले उतारा था, लेकिन घुबाया 1,98,850 मतों से पराजित हो गए। अब फिर से कांग्रेस ने घुबाया पर विश्वास जताते हुए फिरोजपुर लोकसभा हलके से चुनावी मैदान में उतारा है।